नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द बटन सेल्स वाइडली यूज इन वॉचेज एंड दैर डिवाइसेज द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ, जिंक दिस इन द सॉलिड स्टेट प्लस Ag2O प्लस H2O, दिस विल गिव अस Zn प्लस टू दैट इज इन द एक्वा स्टेट, राइट, प्लस टू Ag दैट इज अगेन इन द सॉलिड स्टेट प्लस टू OH नेगेटिव। नाउ दिस इज द एक्वा स्टेट, राइट। डिटरमिन डेल्टा Rg0 फॉर द रिएक्शन, हमें निकालना है इसकी गिब्स एनर्जी ऑफ द सेल, राइट। और हमें E0 सेल गिवन है, E0 जो सेल हमें गिवन है, E0 Zn प्लस टू टू जिंक, दिस इज -0.76 वोल्ट्स। एंड E0 फॉर सिल्वर हमें गिवन है, E0 फॉर Ag पॉजिटिव टू Ag इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट्स, राइट। चलिए अब हम इसका आंसर करते हैं। सॉरी, ये हमारी चीज़ें गिवन थी। अब डेल्टा Rg0 के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा G0 के लिए, दैट इज -NFe0 सेल, राइट। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ इज द फैराडे कांस्टेंट, फैराडे इज कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9650 कूलम्स, 9650 कूलम्स, राइट। और E0 सेल हम निकाल लेंगे। देखो अब बात आती है कि यहाँ पे E0 सेल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है E-कैथोड-E-एनोड। अब मुझे मालूम ये नहीं है कि ये वाला कैथोड है या ये कैथोड है, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है। तो सिंपल सा, सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो कैथोड होगा, मोर वैल्यू तो वो कैथोड हो जाएगा, राइट। जिसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, वो हमारा कैथोड हो जाएगा। चलो अब हम इसे फाइंड आउट भी कर लेते हैं, रिएक्शन हुआ कैसे। हमने लिया जिंक, जिंक जो था वो सॉलिड स्टेट में था और वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 और टू इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। जहाँ पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जहाँ पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो जिंक मेरा क्या हो गया, सॉरी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन जहाँ पे होता है वो मिलता है मेरा एनोड, तो जिंक मेरा एनोड हो गया। और दूसरा क्या है, Ag2O, और आई कैन राइट Ag यहाँ पे था मेरा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और वो कन्वर्ट हो जाएगा Ag सॉलिड में, राइट। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा रिडक्शन, राइट, वो होता है रिडक्शन, और जहाँ पे रिडक्शन होता है वो होता है हमारा कैथोड, फाइन। अब इसके बाद E0 सेल निकाल लेते हैं, हम सेल पोटेंशियल निकाल लेते हैं। E0 सेल इज इक्वल टू E-कैथोड-E-एनोड, फाइन। चलो पोटेंशियल निकाल लेते हैं। यहाँ पे कैथोड की वैल्यू जो गिवन है 0.34 वोल्ट्स गिवन है, -0.76 वोल्ट्स। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 1.1 वोल्ट आ जाएगा, 1.10 वोल्ट्स। तो E0 सेल की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू। अब एन देखो यहाँ पे हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन की वैल्यू जो है वो हमारी टू आ जाएगी, बिकॉज टू इलेक्ट्रॉन्स हमारे इन्वॉल्व हुए हैं जिंक वाले रिएक्शन में, फाइन। तो डेल्टा Rg0 इज इक्वल टू -NFe0 सेल, राइट। एन की वैल्यू टू हो गई, एफ की वैल्यू हो गई 9650 × 1.1, राइट। चलिए अब ये एनर्जी है हमारी, एनर्जी किसकी फॉर्म में आती है, हमारी जूल्स की फॉर्म में। इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा हमारा, आई यूज द कैलकुलेटर, 2 × 9650 × 1.1, ये आ जाएगा अपना 212300, 212300 जूल्स, राइट। इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें, किलो जूल्स में, 212.3 किलो जूल,
तो जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी आएगा दैट इज 212.3 किलो जूल पर मोल, राइट। या इसे मैं और तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसे 2.12 × 10^5, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डेसिमल गया। तो इस तरीके से भी मैं इसे लिख सकता हूँ। तो ये आ गया हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। यही हमें क्वेश्चन में निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है, द रेट कांस्टेंट के ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 फोल्ड व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 320 केल्विन, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, राइट। हमें इसका क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। अब एक्टिवेशन निकालना, एनर्जी निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन था, राइट। क्या फॉर्मूला था हमारा, लॉग के टू अपॉन के वन, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ फिर उसके बाद बात करेंगे। लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू। ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला था, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। और इसके अंदर क्या होगा, हमें जैसे कोई भी रिएक्शन है, जैसे हम इसमें बोल सकते हैं कि इफ़ द टेम्परेचर इफ इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सी, रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सी या 20 केल्विन बढ़ा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ये चीज़ हमें इसकी प्रूफ करनी है, राइट। तो इसके अंदर हम ये भी लिख सकते हैं के टू इज इक्वल टू 4K1, क्योंकि 4 टाइम्स हुआ। और टेम्परेचर टी वन जो था हमें गिवन था 300 केल्विन, और टेम्परेचर टी टू आ जाएगा हमारा 320 केल्विन। ये सब हमें गिवन था, राइट। तो मैं इनकी वैल्यूज को पुट कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा लॉग 4K1 अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर, यहाँ पे 320 माइनस 300 अपॉन 320 × 300, राइट। हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा, K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, लॉग 4 आएगा। लॉग 4 की या तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकता हूँ, और आई कैन राइट 2 log 2। ये कैसे आया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इस 2 को यहाँ से हटा के पावर बना देता हूँ और इसे बनाता हूँ 2 log 2, राइट। 2 log 2 आ गया, और यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, एनर्जी की टर्म्स में जब भी होगा हमारा, तो आर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू को आप याद रखिएगा, जब भी हम एनर्जी की टर्म्स में कहीं पे भी यूज़ कर रहे हैं तो आर की वैल्यू हमेशा 8.314 आएगी, राइट। और कहीं पे हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.0831, राइट। तो अभी हमें इससे मतलब था, तो इससे हम यहाँ से हटा देते हैं कहीं कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आ जाएगा मेरा लॉग 2 log 2। 2 log 2 क्या होता है मेरा, इट बिकम्स 2 × 0.3010 इज इक्वल टू ई ए, ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 × 8.314 × 20 अपॉन, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं भैया इसे, 300 × 320। चलो यहाँ से ये कैंसिल आउट कर देते हैं, ई ए निकालना है अपन को ना। तो ई ए बिकम्स 2 × 0.3010 × 2.303 × 8.314 × 300 × 16 या 32 अपॉन में आ जाएगा 2, राइट।
पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे, कैलकुलेटर निकालें, आता है हमारा 2 × 2.3010। अब लोगों को कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है क्योंकि बोर्ड में हमें कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी, बोर्ड में हमारे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है शायद, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ये आता है हमारा आंसर 55327.6 जूल्स, राइट। हमारा आंसर आ जाएगा ये, और मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, कॉमन राइट से हटा देते हैं, ये आ जाएगा ईए इज इक्वल टू, आई कैन राइट 55.327 किलो जूल, दिस इज द आंसर। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमने निकाली थी, यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 55.327 किलो जूल, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13th क्वेश्चन, और 13th क्वेश्चन में ये बोलता है द रेट कॉन्स्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड्स। सो के की वैल्यू हमें गिवन है 60 सेक पर सेकेंड, राइट। हाउ मच टाइम इट विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो जो आर की वैल्यू आएगी दैट बिकम्स आर नॉट बाय 16, क्योंकि इनिशियल कंसेंट्रेशन का हमें 1/16 निकालना था और इसके लिए हमें टाइम निकालना है, राइट। और टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट बाय आर, लॉग आर नॉट बाय आर, ये आ जाएगा, राइट। अब टी इज इक्वल टू 2.303, के की वैल्यू में गिवन है 60 log, अब ये आर नॉट, आर नॉट इज आर नॉट, और आर की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है क्या था, आर नॉट बाय 16, तो ये इंटू 16 हो जाएगा, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2.303 अपॉन 60। अब लॉग 16 को, लॉग 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, सो आई कैन राइट लॉग 2 raised to power 4 और 4 log 2, तो ये आ जाएगा लॉग 16 को इंटू 4 log 2, और ये log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, राइट। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं, आगे कैलकुलेट कर लेते हैं हम, टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री, राइट, इंटू 4 × 0.3010 डिवाइड बाय 16, तो ये अपना आंसर आ जाएगा जी 0.04621, something is wrong, log 16, 60 time, आंसर इतना छोटा हमारा नहीं आना चाहिए, 1/16 of its initial value, R0 by 16, 4 log 2, 2.303, ये तो वैल्यू गलत आएगी। चलो अनी हाउ ये जो वैल्यू आएगी t जो आएगा दिस इज दिस सेकेंड्स, और आई कैन राइट यही लिख देते हैं, बस यही आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 0.04621 सेकेंड्स, राइट। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 2.303 × 4 × 0.30 / 16, राइट, आंसर हमारा यही आएगा आपको 0.04621, क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब नर्नस्ट इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, नर्नस्ट इक्वेशन हम कब यूज करते हैं, जब हमारा कंसंट्रेशन किसी भी सेल के अंदर लेस देन 1 m गिवन होगा और उसका हमें सेल पोटेंशियल निकालना होगा, राइट।
क्लियर है। तो इसके अंदर हमें जो सेल गिवन है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन एंड डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। और हमें सेल गिवन है मैग्नीशियम सॉलिड, जो लेफ्ट साइड पे लिखा होता है वो होता है हमारा एनोड, और जो राइट साइड पे गिवन है वो होता है हमारा कैथोड। राइट, ये हमें कंसेंट्रेशन गिवन है। ये पैरेलल लाइंस का मतलब है कि ये सॉल्ट ब्रिज है। कॉपर प्लस टू 0.0001 m, और ये आ जाएगा कॉपर सॉलिड। राइट, हमें ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है मैग्नीशियम का और कॉपर का। ई नॉट फॉर Mg प्लस 2 2 Mg। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा साहब, यहाँ पे वैल्यू हमारी है -2.375। देखो मैंने अभी आपको बात किया रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर यहाँ पे कहीं पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है तो गड़बड़ हो जाएगी साहब, क्योंकि जितने भी पोटेंशियल लगाने हैं तो वहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। अगर यहाँ पे हमें दे दिया ई नॉट Mg2 Mg+2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.375। और अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा साहब, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें, मैंने अभी आपको बोला था कि जिसकी वैल्यू हायर है वो हमारा क्या होगा, क्या होगा जी, कैथोड। राइट, वो हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड। राइट, बट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में जब भी हमें क्वेश्चन करना है इसके रिडक्शन पोटेंशियल को ही लेना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें कॉपर प्लस टू से कॉपर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू गिवन है हमें कितनी, 0.34 वोल्ट्स। राइट, एक ये दिया हुआ है। ई नॉट सेल निकालते हैं हम इसका। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी है, कॉपर की है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, कैथोड हो जाएगा। ठीक, ये हमारा कैथोड नहीं है, दिस इज एनोड। वैसे भी जो लेफ्ट साइड पे लिखा होता है वो क्या होता है मेरा, एनोड होता है, और राइट साइड वाला कैथोड होता है। अगर आपको सेल गिवन है तो यहाँ से आप पता चल जाएगा, अदरवाइज मैंने आपको ट्रिक बता दिया। 0.34 माइनस माइनस 2.375। राइट, इसे ऐड कर लेते हैं, कितना आता है ये, 3 4 0 बना देते हैं उसे, 5 7 प्लस 4 11, 3 प्लस 6 6 7, 2.715 वोल्ट्स। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.715 वोल्ट्स। राइट, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिखें तो वो आता है हमारा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग एनोड अपॉन कैथोड, कंसेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ कैथोड। राइट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फाइन, अब ई नॉट सेल अभी हमने निकाला था कितना आ रहा था, 2.715 माइनस और 0.0591 अपॉन n, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम ऊपर चलें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मैग्नीशियम क्या करने वाला है, मैग्नीशियम दो Mg+2 है, वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम। और यहाँ पे कॉपर प्लस टू है, कॉपर प्लस टू क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बनाएगा। राइट, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं हम, मैग्नीशियम के केस में यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम इज कन्वर्टिंग इनटू Mg+2 + 2 इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा कराऊंगा इसमें, राइट, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अलग अलग कर सकते हैं, कहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग गिवन होंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ जाएगी, लॉग एनोड, अब एनोड था हमारा क्या चीज, मैग्नीशियम, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 0.001। राइट,
और कैथोड की कंसेंट्रेशन मैं क्वेश्चन पेपर में देख लेता हूँ, इट इज 0.0001, राइट। चलिए अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, ये आ जाएगा 2.715 - 0.0295 log। अब देखो यहाँ पे इसके डेसिमल जड आते हैं, ये हो जाएगा 10^4 और ये हो जाएगा 10^3, तो इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है साहब, 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.715 - 0.0295, और अगर हम इसे कैलकुलेट कर लें तो कितना आ जाता है, बहुत छोटी सी बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा हमारा, कितना आएगा वो 2.685, राइट। देख लेते हैं 2.715 - 0.0295, 2.6855 volts। सो ई सेल कितना आ जाएगा, 2.6855 volts, और ये हमारा आंसर है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, आयरन हैज अ बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विद द एज लेंथ ऑफ 286.65 पिकोमीटर, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.87 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट एवोगाड्रोस नंबर, एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56.56 ग्राम पर मोल, राइट। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आयरन के बारे में बात किया, इन्होंने बोला कि बी सी सी है तो जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट। और उसके बाद एज लेंथ ए की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 286.65 पिकोमीटर, राइट। डेंसिटी हमें गिवन है क्या चीज, 7.87 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर, एन ए की वैल्यू। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मालूम है एवोगाड्रो की वैल्यू क्या आती है, 6.022 × 10^23। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो साहब निकालनी नहीं है, है ना, उसके आसपास कहीं पे कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, राइट। तो फॉर्मूला था हमारा, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, राइट। अब देखो ए की वैल्यू पिकोमीटर में है और डेंसिटी हमारी किस में है, सेंटीमीटर में, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई कैन राइट 2.86, बट 2.866 ले लेते हैं हम, इंटू 10^-8 सेंटीमीटर, मैंने डायरेक्ट चेंज कर दिया है, राइट। पहले मुझे इसे, जैसे मैंने 2 डेसिमल पर शिफ्ट किया तो 10^-10 हो जाएगा, और उसके बाद उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक। अब डेंसिटी हमें गिवन थी कितनी थी, 7.87 इक्वल टू जेड की वैल्यू 2 गिवन है, एम की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, आयरन का एटॉमिक नंबर हमें यहाँ पे गिवन है और वो है 56, राइट, अपॉन 2.866 × 10^-8 होल क्यूब इन 2 Na, Na की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो डायरेक्ट वैल्यू को तो मत करना, यहाँ पे आपने दिखा देना कि भैया Na आपने लिखा यहाँ पे, तो 2 × 56 / 2.866 × 2.866 × 2.866 × 7.87 × 10^-24, राइट। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू को थोड़ा सा नज़दीक लेके चले जाइए, जैसे आपने कुछ भी निकाल दिया यहाँ पे, आई कैन राइट 0.604 × 10^24, राइट। अब ये एन ए की वैल्यू ये तो नहीं है, मैं इसके डेसिमल को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, तो एन ए क्या आ जाएगा मेरा, इट बिकम 6.04 × 10^23, राइट, मोल इनवर्स, राइट। इसके जो यूनिट्स बचेंगे वो हमारे आ जाएंगे मोल इनवर्स, और यहाँ पे भी मोल इनवर्स, राइट। तो एन ए की वैल्यू हमने निकल गई 6.04 × 10^23, दिस इज द आंसर, राइट।
एग्जैक्ट वैल्यू लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए क्या करना है हमें थोड़ा आसपास कहीं रख देना है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 16, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया हमें, 100 मिलीग्राम ऑफ अ प्रोटीन इज डिसॉल्वड इन जस्ट एनफ वाटर टू मेक 10 ml ऑफ सॉल्यूशन, इफ दिस सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 13.3 mm Hg एट 25 डिग्री सी, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। आर की वैल्यू हमें गिवन है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन एंड 760 mm Hg इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, राइट। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पाई, पाई क्या है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके लिए फॉर्मूला बना था पाई इज इक्वल टू जी आर टी, राइट। और पाई की अगर मैं यहाँ पे सी, सी इज द मोलैरिटी, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोल कैसे निकलते हैं, गिवन मास बाय, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, इन टू आर इन टू टी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास टू आई कन्वर्ट इनटू डब्ल्यू टू इनटू आर इनटू टी बाय पाई इनटू टी, पाई इनटू पाई इनटू वी, राइट। अब मुझे यहाँ पे सब चीज गिवन है, डब्ल्यू टू मुझे गिवन है 100 मिलीग्राम, राइट। क्वेश्चन में आप देखते जाइए सब कुछ लिखा रहेगा आपको, यहाँ पे 100 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 ग्राम्स, इसे मैंने मिलीग्राम्स को क्या किया, मिलीग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। आर की वैल्यू हमें गिवन है, आर की वैल्यू है 0.0821, राइट। इसके बाद लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, राइट, ये चीज हमें गिवन है, राइट। इसके बाद हमें क्या गिवन है, सॉल्यूशन इज ओके पाई गिवन है हमें, पहले हम टेम्परेचर ले लेते हैं, टेम्परेचर देखिए 25 डिग्री सी गिवन है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 273 प्लस 25, राइट, इट बिकम्स 298 केल्विन, टेम्परेचर भी आ गया हमारे पास। अब हम पाई को कन्वर्ट करेंगे, राइट। वॉल्यूम भी हमें गिवन है यहाँ पे, कितना गिवन है वॉल्यूम, देखिए अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो हमें गिवन है 10 ml, राइट, 10 ml मुझे यहाँ पे वॉल्यूम भी गिवन है, राइट। और इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था उसके क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मुझे अगर इसे लीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और पाई की वैल्यू मुझे गिवन है, तो कितने गिवन है हमें mm Hg में, 13.3 mm Hg गिवन है, तो मुझे अगर उसे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 13.3 को जैसे 760 mm Hg से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब ये हो जाएगा तो ये एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। देखो सब चीज गिवन है यहाँ पे, हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो m2 इज इक्वल टू, राइट, w2 कितना है 100 × 10⁻³, आर की वैल्यू मुझे गिवन है 0.0821 अपॉन नहीं सॉरी इनटू टेम्परेचर है 298 केल्विन अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 13.3 अपॉन में 760, ये अपॉन 760 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना गिवन है हमें 10 × 10⁻³, राइट। यहाँ पे हम कैलकुलेट कराते हैं, 10⁻³ से 10⁻³ चला जाएगा, अब इसे कैलकुलेट करते रहिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर के यूज से इसे निकाल देता हूँ, राइट, कैलकुलेटर भी, तो जो चीज़ कटती है उस चीज़ को मैं काट देता हूँ, यहाँ पे ये 10 था तो यहाँ से ये 1 0 और कट जाएगा, राइट, देखिए तो 10 × 0.0821 × 298 × 760 / 13.3 और आंसर आ जाता है 1392
8.045 और इसकी यूनिट्स क्या रहे हैं, ग्राम पर। दिस इज द आंसर। मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया, ये आ गया 1390.45 ग्राम। राइट, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट हमें जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 17, मेन चीज़ क्या है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन निकल जाएगा, और क्या चीज़ कितना वो भी पता होना चाहिए। सल्यूट के लिए हमेशा W2 यूज करेंगे, और सॉल्वेंट के लिए W1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ 0.0051 पर मिनट। इफ इट बिगिन विद द 0.1 mM कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल रिमेन इन सोल्यूशन आफ्टर 3 आवर्स। राइट, ये चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है। राइट, चलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पहले हम ये देखिए। टी इज इक्वल टू, क्योंकि टाइम हमें गिवन है तो वो उसके लिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट बाय आर, ये हमारे पास गिवन है। राइट, क्लियर है जी। अब यहाँ पे हम टाइम देख लेते हैं, टाइम हमें कितना गिवन था, 3 आवर्स। 3 आवर्स को मैं क्या करता हूँ, उसे सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देता हूँ या मिनट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो लेट्स से 3 × 60, देखते हैं किस में कन्वर्ट करते हैं इसके। हम क्या करेंगे, देखो जब हमने रेट कॉन्स्टेंट गिवन है उसका मिनट इनवर्ट में करेंगे, तो हम इसे सिर्फ मिनट में ही कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 180 मिनट। राइट, ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 0.0051 मिनट इनवर्ट। राइट, अब इनिशियल कंसेंट्रेशन आर नॉट हमें कितनी गिवन है, ये चीज़ हम देख लेते हैं। आर नॉट हमें गिवन है 0.1 mM, 0.1 mM। राइट, आर नॉट इसने बोला कि हमें निकाल के बताओ। राइट, देखो यहाँ पे फॉर्मूला में टी भी गिवन है, के भी गिवन है, आर नॉट भी गिवन है, तो स्टार निकालना है, तो वैल्यूज पुट करते हैं हम। ठीक, तो ये आ जाएगा 180 इज इक्वल टू 2.303 × ये कितना हो गया, 0.0051 log 0.1 upon r। राइट, ये r मुझे निकालना है, तो आई कैन राइट log 0.1 बाय r इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या थे, मिनट, इसकी यूनिट क्या थे, मिनट इन वर्ड। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएंगे, 180 × 0.0051 अपॉन 2.303। राइट, मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट, और अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो कितना आता है,0.3986। राइट, अब मुझे लेना है इसका क्या लेना जी, इंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये है, मैं इसे ऐसा कर देता हूँ कन्वर्ट, लॉग कन्वर्ट करें, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। राइट, ये आ जाएगा 0.1 × r इज इक्वल टू
एंटी लॉग 0.3986, राइट, 0.3986। देखो अभी तो मैं यहाँ पे वैल्यू करेक्ट लिख रहा हूँ, 2.503, राइट, ये आ गया। अब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू साहब 0.1 अपॉन 2.503। अगर मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ तो इट कम्स टू बी 0.03995 m, और राइट एंड राइट आर इज इक्वल टू 0.04, दिस इज द आंसर, राइट, क्लियर है जी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें गिवन है, क्या गिवन है जी, अ वोल्टेज सेल इज हेड अप एट 25°C विद द फॉलोइंग हाफ सेल AG, दिस एंड दिस, ये गिवन है, व्हाट वुड बी द वोल्टेज ऑफ दिस सेल। देखो यहाँ पे हमारी नर्नस इक्वेशन लगेगी, नर्नस इक्वेशन क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन जो है दैट इज अदर देन 1 m गिवन है, राइट। चलिए अब हम क्या करते हैं, सेल को ड्रॉ कर देते हैं, AG पॉजिटिव, यहाँ पे कंसेंट्रेशन गिवन है 0.001 m, यहाँ पे आ जाएगा AG एंड कॉपर +2 0.01 m, 0.10 m, मेरे साथ अब एनोड और कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहे हैं। ठीक, देखो यहाँ पे दोनों में क्वेश्चंस में जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग है, राइट, और यहाँ पे हमें ई नॉट सेल डायरेक्टली गिवन है, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.46 वोल्ट, क्लियर है जी। अब इसमें एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है जी, भैया हमारा कॉपर वाला है, और कैथोड क्या हो गया हमारा सिल्वर, राइट। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे हो रहा है जी कॉपर सॉलिड था वो कितना कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर +2 स्टेट में आ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और कैथोड पे हमारा रिएक्शन हो रहा है AG, राइट, AG पॉजिटिव और ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके AG सॉलिड बनेगा। अब देखो ऊपर वाले रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इन्वॉल्व हो गए, तो फिर हम क्या करेंगे, पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट जो अभी हम इन्हें ऐड करेंगे रिएक्शन को, हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे बैलेंस हो गए, 2 AG पॉजिटिव, दिस विल गिव अस कॉपर +2 एक्विस +2 AG सॉलिड सेल, राइट, ये आ जाएगा। अब फॉर्मूला लिखते हैं लर्नर्स इक्वेशन का, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591 on n log एनोड अपॉन कैथोड, राइट, लॉग एनोड अपॉन रोड, क्लियर है साहब। चलिए अब हम इसके अंदर इसके फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, ई नॉट सेल की वैल्यू मुझे गिवन है 0.46 -0.0591 on n। अभी n क्या है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारे पास जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, तो हमें यूज करते हैं लॉग एनोड। नाउ एनोड इज हैविंग कंसंट्रेशन, अब कॉपर की अगर आप कंसंट्रेशन देखो तो कॉपर हमें गिवन है 0.1 m, राइट, 0.1, और नीचे सिल्वर का जो कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.001, राइट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिल्वर के हमारे पास 2 मोल्स थे यहाँ पे, तो हम इसकी पावर को
पार्ट टू कर रहे हैं, राइट, क्लियर है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 0.46 माइनस 0.0295 लॉग, ये कितना होगा, इसे मैं डेसिमल को हटाना शुरू करूँ, चलेगा 0.1 अपॉन यहाँ पे 10^-3 इंटू 10^-6, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ 10^-1 कर देता हूँ, ठीक। तो ये आ जाता है हमारा 0.046 माइनस 0.0295, ये कितना आएगा जी, लॉग 10^-6 कर गया तो 10^+6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लॉग 10^5, ठीक। ये हुआ कैसे, ये आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है, इजी है, जस्ट ऐसे क्यों है, 10^-1 था नीचे, दोनों को ऐड कर दिया, 10^-6 हो गया, ऊपर लगे गया तो 10^-6 + 5, और 10^5 आ गया, तो इसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 0.046 माइनस 0.0295 किया जाएगा इंटू 5 log 10। अब ये 5 log 10 क्या होता है, हमारा log 10 is 1, तो 5 आ जाएगा, तो आई कैन राइट 0.46 माइनस 0.0295 इंटू 5। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ कितना आता है, 0.0295 ये आ जाता है 0.043।0.0295 इसके अंदर अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 0.1475, राइट, और इसमें से अगर मैं 4.26 माइनस 0.1475, तो आंसर इज इक्वल टू 0.3125, ये हमारा आंसर है 0.3125, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। यूनिट्स लिखते हैं, यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे, राइट। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट, क्वेश्चन नंबर हम कर पाते 19 पे क्वेश्चन करते हैं, 19 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है और ये थोड़ा सा
तरकीब है। क्या क्वेश्चन है हमारा? वोल्टिक सेल इज सेट अप एट 25 डिग्री सी विद द फॉलोइंग हाफ सेल्स। एल्युमिनियम गिवन है Al, Al प्लस 3.001 एम, एंड निकल का कंसेंट्रेशन गिवन है 0.51। कैलकुलेट द सेल वोल्टेज ई नॉट की वैल्यूज हमें निकल की और एल्युमिनियम की गिवन है, राइट। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल्स गिवन थे, पहले वाले क्वेश्चन में हमें लर्न करना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी से कौन सा हमारा कैथोड था और कौन सा हमारा एनोड था, राइट। इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें वोल्टेजेस गिवन, तो वोल्टेज से हम निकाल सकते हैं जिसकी वोल्टेज ज़्यादा है वो हमारा क्या है, कैथोड है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर, इसके अंदर हम कह सकते हैं कंसेंट्रेशन लिख सकते हैं Al और Al प्लस 3 में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन जो हमें गिवन है 0.001 m, राइट। और निकल के लिए जो हमें कंसेंट्रेशन गिवन है Ni इज Ni प्लस 2 और कंसेंट्रेशन है 0.50 m, राइट। ये हमें चीज़ें गिवन थी। चलिए अब हम यहाँ पे इन रिएक्शंस के बारे में लिख लेते हैं, कौन सी हमारी कैथोड पे और कौन सी एनोड पे रिएक्शन हो रही है। एनोड पे रिएक्शन हो रही है, कौन सी हो रही है जी, एल्युमिनियम। क्यों? क्योंकि इसका जो पोटेंशियल गिवन है दैट इज -166 वोल्ट, ठीक है, -1.66 वोल्ट, और निकल का जो कंसेंट्रेशन है 0.25, तो जिसकी वैल्यू बड़ी है वो हमारा कैथोड होगा, राइट। तो एल्युमिनियम की वैल्यू कम है तो एनोड पे एल्युमिनियम आ रहा, राइट। और एनोड पे होता क्या है हमारा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मैंने आपको बताया था LOAN, राइट। इसे लर्न करने का, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव, राइट। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम सॉलिड से Al प्लस 3 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज कर रहा है, राइट। और ऐसे ही अगर मैं कैथोड लेता हूँ, कैथोड ले लेता हूँ, कैथोड पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है, Ni प्लस 2 है, दैट इज इन द एक्विस स्टेट, और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर रहा है, निकल सॉलिड होगा। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना था, तो मैं क्या करूँगा, इस रेशियो को 2 से इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इट बिकम्स 2Al सॉलिड गिव्स 2Al प्लस 3 प्लस 6 लेफ्ट, और यहाँ पे आ जाएगा 3Ni प्लस 2 एक्वस स्टेट में, अगेन इन द एक्वस स्टेट, और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल गिव अस 3Ni, 3Ni दैट इज इन द सॉलिड स्टेट, राइट। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूँ, किस किस इक्वेशन को, ये वाला इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2Al प्लस 3Ni, अगर सॉलिड स्टेट आ जाते हैं यहाँ पे Ni प्लस 2 का एक्वस स्टेट आ जाते हैं, राइट। 6 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट और राइट साइड वाले वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 2Al प्लस 3 एक्वस प्लस 3Ni सॉलिड, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा, फाइन। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू कितनी गिवन है, 6, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे 6 इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू पुट करता हूँ, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log एनोड अपॉन कैथोड, दिस वॉज द फॉर्मूला, राइट। ये हमारा फॉर्मूला था एनोड अपॉन कैथोड का, राइट। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हुआ चलते हैं। अभी ई नॉट सेल हमने नहीं निकाला, तो पहले यहाँ पे हम ई नॉट सेल निकालते हैं साहब। ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता था, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो मुझे कैथोड भी मालूम है और एनोड भी मालूम है, तो वैल्यूज पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ई कितना आएगा माइनस 0. अभी वैल्यू कितने गिवन थी हमें यहाँ पे 0.25, और एनोड की वैल्यू हमें गिवन है -1.66 वोल्ट, राइट। यही वैल्यूज गिवन है जी, यही वैल्यूज गिवन है। तो अब हमारा इनोड सेल जो आएगा वो क्या आएगा,
माइनस 0.25 प्लस 1.66 वोल्ट, तो यार ये 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 2 4, 1.41 वोल्ट का देगा। और अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी ई नॉट सेल अगर नेगेटिव आ रहा है तो सेल हमारा स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, मतलब हमारा सेल वहां पे कोई काम नहीं आएगा। ठीक, चलिए अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे। नाउ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है 1.41 माइनस 0.0591 अपॉन 6 log। अभी साहब एनोड और कैथोड की वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं। अब एनोड की कंसेंट्रेशन, एनोड की कंसेंट्रेशन यहाँ पे हमें गिवन है, क्या चीज गिवन है जी, 0.001, 0.001 पाउंड। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे इसके, एल्यूमिनियम के देखो यहाँ पे कितने मोल्स थे, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम 2 मोल्स थे, तो इसके पावर 2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा 0.50 रेज टू पावर 3, निकल के 3 मोल्स थे तो हमने यहाँ पे पावर 3 कर दिया। ठीक है साहब, चलिए अब हम आगे चल सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल होने वाली है यहाँ पे, 1.41 माइनस 0.0591 बाय 6 log। अब देखो मैं थोड़ा सा इसे रेकमेंड कर रहा हूँ, 10 रेज टू पावर माइनस 3 रेज टू पावर 2 अपॉन, अब ये 0.5 0.5 0.5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट कम्स टू बी 0.125, राइट, 0.125 आ जाता है, राइट। तो मैं इसके डेसिमल को हटाता हूँ, लेट्स से कि 1000 से मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक, चलिए अब क्या आ जाएगा, 1.41, ये डेसिमल को हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये डेसिमल को मैंने हटा दिया, अपॉन 1000 किया था, राइट। तो इट बिकम 0.00591/6 log। अब देखिए log 125, अगर मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है, 8 5 जो 44, 8 2 16, 22 1000, तो मतलब मैं इसे यहाँ पे कैंसिल आउट कर देता हूँ और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 8 × 10⁻⁶। खैर हुआ जी, ये क्या किया मैंने, राइट। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है, हमें लॉग की वैल्यू नहीं गिवन होती, बस लॉग 2 गिवन होता है। लॉग 2 की वैल्यू लेट से हमें गिवन है 0.3010, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है हमें, राइट। तो यहाँ से हम निकालेंगे इक्वल टू 1.41 माइनस 0.0591/6 log। ये क्या रहेगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 4 × 2 × 8 × 2 × 10⁻⁶, राइट। सो आई कैन राइट 1.41 माइनस 0.0591/6। अब इसे ओपन करना शुरू करते हैं, 3 log 2, 3 log 2, log 2 की वैल्यू क्या आएगी, वो हमें गिवन थी, और प्लस में आ जाएगा -6 log 10, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1.41 माइनस 0.0591 अपॉन 6, 3 log 2, 3 × 0.3010 और -6, क्योंकि log 10 की वैल्यू क्या आती है हमारी, log 10 की वैल्यू 1 होती है साहब, याद रखिएगा। तो ये होता है 1.41 माइनस, अब इसे हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। तो क्या करते हैं जी, 3 × 0.3010 इट कम्स टू 0.903, 0.0591/6 क्या रहेगा, 0.903, ठीक। 0.903 माइनस 6 करते हैं,
ये आ जाता है हमारा, देखो मैं स्टेप वाइज कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन थोड़ी स्लो होती है, तो उन्हें फील ना हो इसलिए मैं स्टेप वाइज सारी की सारी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। राइट, चलिए ये आ गया 5.097। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 0.0591 डिवाइडेड बाय 6, दैट कम्स टू बी। अब देखो ये नेगेटिव में था, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1.41 प्लस 0.050, राइट, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.46 वोल्ट। ऑलरेडी 1.46 वोल्ट क्लियर है जी। इसी का ध्यान रखना है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन कर देना है, कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और कब पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है जी, होपफुली क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोलता है, ये वही सेम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। हमें यहाँ पे इक्वेशन गिवन है एफ पी सॉलिड प्लस सी डी प्लस टू एटीएम प्लस टू इट इज इन द एक्टिव स्टेट और रिएक्शन हमारा हो रहा है इक्विलिब्रियम में, रिएक्शन एफ पी प्लस टू दैट इज इन द एक्टिव स्टेट प्लस सी डी दैट इज इन द सॉलिड स्टेट, राइट, और हमें यहाँ पे इनके पोटेंशियल्स के हैं ई नॉट सी डी प्लस टू टू सी डी, ये आता है -0.40 वोल्ट, और ई नॉट एफ पी प्लस टू टू एफ पी -0.44 वोल्ट, राइट, में ये चीज। अब इसमें से एनोड कौन सा होता है, कैथोड, दिस विल बी द कैथोड, क्या उनको बेसिकली दिखाना है। ठीक है, बाकी आप वैसे भी निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे आयरन क्या कर रहा है, एफ पी इज कन्वर्टिंग इनटू एफ पी प्लस टू, ये क्या हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो क्या है एनोड है। मैंने अभी आपको बताया था पीछे डोन लिख पाया था, LOAN, O का मतलब ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, और ए फोर एनोड था, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो एनोड है, राइट, तो ये मेरा क्या था कैथोड हो गया और ये हो गया हमारा एनोड, राइट। देखो बड़ी सिंपल सी ट्रिक्स, कुछ ज्यादा दिमाग घुमाने वाली बात नहीं है, राइट। चलिए अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, देखो हमने नर्नस इक्वेशन पढ़ी थी, वहां पे क्या पढ़ा था, ई सेल इज इक्वल टू जीरो, पहली बात, जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा साहब, हमारा ई सेल जो है दैट विल बी इक्वल टू जीरो, राइट, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n लॉग केसी, केसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमें निकालना है, राइट, तो मैं यहाँ पे सीधा ही लिखता हूँ लॉग केसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल इन टू एन अपॉन 0.0591। ठीक, चलिए वैल्यू फिट कर देते हैं, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है टू, राइट, क्योंकि टू इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जैसे एफ पी था, एफ पी सॉलिड इज कन्वर्टिंग इन टू एफ पी प्लस टू इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है एक्टिव स्टेट में, राइट, और यहाँ पे क्या था हमारे पास कैडमियम प्लस टू था, वो दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है कैडमियम सॉलिड में, राइट, तो एन इज इक्वल टू टू हमारा यूज हो गया। ई नॉट सेल निकालते हैं, ई नॉट सेल, चलो साहब ई नॉट सेल निकालना है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट, अब ई कैथोड था हमारा 0.40 द नेगेटिव साइन नेगेटिव माइनस 0.44 वोल्ट, और आंसर आ जाएगा हमारा 0.04 वोल्ट विद अ पॉजिटिव साइन ई नॉट सेल, राइट।
चलिए वैल्यू पुट करते हैं, लॉग के सी इज इक्वल टू ई नॉट, सेल की वैल्यू हमें गिवन है 0.04, एन की वैल्यू हमें 2 गिवन है, ऑन में आ जाएगा 0.0591, राइट। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो लॉग के सी इज इक्वल टू कितना आता है साहब, 1.3536, 1.3536, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, केसी चाहिए, तो मैं तू क्या करना पड़ेगा, टेकिंग एन टी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एन टी लॉग ऑन बोथ साइड, राइट। अभी क्या होगा, एन टी लॉग की वैल्यू निकालता है, सो केसी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, इट कम्स टू 22.57, KC इज इक्वल टू 22.57, राइट।